हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल पी ब्यूटी चैनल। मैं प्रीत तिवारी अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप मेरा ये पिक देख रहे हैं, आप इतने से इतने कलर में आ सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। बहुत ही आसान टिप्स है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपका कलर इतना फेयर हो सकता है और इतना आसान है। ये नींबू। आइए देखते हैं कैसे इसको ट्राई करना है। पहले आप हाफ नींबू ले लीजिए, हाफ नींबू को काट लीजिए इस तरीके से। और इसको इस तरीके से, मैंने आधा नींबू ले लिया है, इसको आप हल्का सा काट लेंगे। हाफ नींबू आधा काट लेंगे, इसको आप चेहरे पे लगाएंगे। चेहरे पे जितने भी डार्क स्पॉट होगा और जो एक्सपोज एरिया है उस पर आपको लगाना है। और इसको लगा के आधे एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, इसको इस तरीके से दबाना है। दबाएंगे तो इसमें से इसका जूस निकलेगा और फिर उस जूस को अपने स्किन पे ऐसे ही अप्लाई करना है। जिस तरीके से मैकअप ऐसे मसाज करना है, अच्छे से देखिएगा कैसे मसाज कर रही हूँ। बहुत ही इफेक्टिव है फ्रेंड, पक्का यूज कीजिएगा इसको। बार बार, और ये कि नींबू हर किसी के स्किन पर सूट नहीं करता है तो आप इसको लगाने से पहले चेक जरूर कर लीजिएगा। ओके, कान के पीछे थोड़ा सा लगा के चेक कर लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक मिनट के लिए लगा के छोड़ना है, उससे आपके कान के पीछे अगर इचिंग या खुजली हो तो आप इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा आपको ये। ये देखिए, इस तरीके से आपको चेक करना है, यहाँ पे कान के नीचे में यहाँ पे लगा के ऐसे छोड़ देना है। कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, वैसे 1-2 मिनट में भी पता चल जाता है। तो आप 5 मिनट के लिए छोड़ के इसको देख लीजिएगा आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होम मेड रेमेडी है। इसको आप डेली लगाइए चेहरे पर, सिर्फ नींबू है, कुछ मिक्स नहीं करना है। डेली आपको चेहरे पर इस तरीके से 5 से 10 मिनट मसाज करना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और फिर सादे पानी से उसको धो लेना। ओके, जो भी एक्सपोज एरिया जहाँ भी आपके डार्क स्पॉट हैं आप इसको लगाइए और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। गर्दन वर्दन पे लगाना बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा। ओके, नींबू घर पे ब्लीचिंग करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम माना जाता है। इसलिए स्किन के स्किन को फेयर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा टिप्स है, इंस्टेंट ग्लोइंग टिप्स है। आप इसको फर्स्ट यूज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा फ़ायदा दे रहा है आपको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, ताकि मैं और भी टिप्स आप लोग के लिए लेकर आ सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मुझे इतना अभी तक सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक, बाय।